नमस्ते, मैं जानवी झा माइंड हिप्नोटिज्म चैनल झांसी से। आज का विषय है अफर्मेशन की जादुई शक्ति। कई लोग पूछते हैं, मैम क्या ये वर्क करेगा, क्या ये वर्क करता है? डेफिनेटली करता है। जैसे आपने, हम कहते हैं ना, हम कॉन्शियस माइंड में और सबकॉन्शियस सभी सुन रहे हैं, ऑलमोस्ट यूट्यूब पे किसी ना किसी का सुन रहे हैं, कुछ हम लोग के भी सुन रहे हैं, कुछ दूसरे वीडियोस दूसरे मेंबर्स के भी, दूसरे लोगों के सुन रहे हैं। कैसे काम करेगा? कई कहते हैं हम तो हमेशा अपने आप को बार बार रिपीट कर रहे कि नहीं, मुझे उठना है, मुझे जाना है, मुझे ये काम करना है, बार बार मैसेज कर रहे, लेकिन ये एक वर्क हो नहीं रहा। देखिए, कई बार हम बोलते हैं कि हाँ, जैसे मैं बोल रही हूँ, जानवी आपको जाना है, बार बार मैं कह रही हूँ जानवी आपको जाना है, जानवी को पता है कि बोर हो गई, बोलते बोलते मैं कहती हूँ ठीक है थोड़ी देर में जाऊँगी। लेकिन वही दूसरा कोई कहता है जानवी उठ और जा, वहां जाके ही काम करे, कोई दूसरा बोलता है तो हमें लगता है कि हाँ, फिर हमें कहते हाँ उठना है जाना है। ये चीज पहले भी हो रहा था कि जानवी को उठ के जाना है, लेकिन जानवी उठ नहीं रही थी, किसी ने बोला तो उठी और गई। यही है अफर्मेशन। हम कॉन्शियस माइंड को सेंड करना है, जैसे हम ऑडियो में, हमारे भूपेश सर के ऑडियोज है बहुत सारे, अल्फा बीटा में बना हुआ है, सबके अपने अपने चार्जेस है। ये हर चीज पे वर्क करते हैं, हर चीज पे। किसी को पेन है, किसी को एजुकेशन पे प्रॉब्लम है, किसी को मनी प्रॉब्लम है, बहुत सारे चीजें हैं जिस पे ऑडियो सर बनाते हैं। और अगर आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी चीज आप बार बार अपने आप को दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा, तो आप हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी से भी। लेकिन इसकी एक फीस है। देखिए, हम भी लगाते हैं कहीं, तब हमें मिलता है, फिर हम आप तक पहुंचाते हैं। कई लोग कहते हैं कि नहीं, इतने ऐसे कैसे हो सकते हैं? देखिए कैसे, जैसे मैं आपको एक चीज और एग्जाम्पल बता रही हूँ। जैसे ये टॉर्च है, टॉर्च हमें पता है कि हमारे पास टॉर्च है, अंधेरा आया फिर भी हमें लग रहा है टॉर्च है, हम जला लेंगे, लेकिन जब तक जलाएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? अफर्मेशन यही है। जैसे ये टॉर्च है, मैंने जलाया तो जला, और अगर नहीं जलाऊंगी तो क्या ये अंधेरे में रोशनी का काम करेगा? नहीं। यही अफर्मेशन जब हम देते हैं बार बार, आपको जिस चीज की कोई प्रॉब्लम होगी, आप हमसे बात करिए या हमसे मांगिए, तो उसकी छोटी सी फीस पे करिए, फिर हम आप सुनेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कैसे वर्क कर रहा है। जब तक आप देखिए, आपके पास होगा नहीं, आपके पास कुछ हो, आप फील नहीं करेंगे, तब तक समझ नहीं आएगा। नहीं तो फिर कई लोग क्वेश्चन पूछे, मैम ये कैसे हो सकता है किसी की ऑडियो से? अरे ये वर्क करता है, क्योंकि इस जानवी और उस जानवी में, पहली वाली जानवी और इस जानवी में बहुत फर्क है। पहले वाली जानवी को उल्लू बना लेती थी, अभी भी बना लेते, लेकिन मैं बताना चाह रही हूँ पहले की जानवी और इस जानवी में खुद मुझे अपना पता है कि मैं काफ़ी चेंज हूँ, कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है पहले से। हर किसी का, देखिए अगर हम आप लोग को कुछ बताते हैं तो हमारी पर्सनल एक्सपीरियंस भी होती है। हम भी चाहते हैं कि सभी खुश रहे, हम भी खुश रहे, आप भी खुश रहिए। खुशी बांटने से ही हर तरह से खुशी होती है। जैसे हम कभी डाइनिंग टेबल पे, कभी क्यों, हम डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं, हमारे पास चपाती है, उनके पास सब्जी है। जब हम कहेंगे आप पास करिए, तभी तो वो हमें सब्जी पास करेंगे। जब तक आप हमें बोलेंगे नहीं, तो हम सब्जी का डोंगा आपके पास कैसे भेज सकते? नहीं ना, तो आपको जरूरत है, आपको जरूरत है तभी तो आप मांगेंगे। इसी तरह अगर आपके लाइफ में किसी चीज की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमसे हेल्प मांग सकते हैं। अफर्मेशन यही काम करता है, आपको जगाना, उठाना। और आप जब ये आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जिसने लिया है वो जानते हैं अच्छे से कितना ज़्यादा उन पे वर्क कर रहा है। थैंक यू करके आता है तो बहुत खुशी मिलती है। कई बोलते हैं मैम गुरु करके बोलते हैं,
और बहुत मतलब जो कहते हैं ना टचिंग वर्ड्स पे बहुत लिखी जाती है, तो आई फील वेरी हैप्पी। अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।